नौ अध्याय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, मधि दही मंथन के समय वे उन सबका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। वे अपने स्थूल कटिभाग से सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चुता जा रहा था और वे कांप भी रही थी। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्ण फूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौंहों वाली यशोदा जी इस प्रकार दही मथ रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं जर ही रहा था। वे उनसे उन्हें पिलाने लगी और मन मन मुस्कुराते हुए युक्त उसका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगूठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। ऐसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उसने लाल लाल होठ फफड़ाने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोटे से दही का मटका फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी औटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आई। वहाँ देखते हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गए कि ये सब मेरे लाला की करतूत हैं। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छकड़े पर का माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। ये देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उसके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए कि भली भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, पाने की बात तो दूर ही रही। उन्हें भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा जी श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमे पड़ी गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते पीछे पीछे चोटी के गुथे हुए फूल बिखरे जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उन्हें हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ाया। उन्होंने पीछे छड़ी फेंक दी। उसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ईश्वर का पता न था, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत। जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही है। वह यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य सा
रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा जी अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब दो अंगुल छोटी पड़ गई, तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई तब उनके साथ और जोड़ी। इस प्रकार जो जो रस्सी लाती और तोड़ती गई त्यों तो जुड़ने पर भी वे सब दो दो अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मुस्कुराने लगी और अरे वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर पड़ी हैं और वे बहुत थक भी गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माया के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उसके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद ब्रह्मपुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वृक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। ये गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वयंभू ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधे में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची। जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे उसके नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव। इसके पास धन सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी, इसका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने उन्हें शाप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे।